क्लास एट लेट्स बूट कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, सेकंड भी आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया था और मैंने आपका वन आंसर भी आपको इस पर टिक कराया था। आज हम पढ़ेंगे कॉलम्स। अ कॉलम इज डिफाइंड एज द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल और वर्टिकल स्पेस दैट इज गोइंग अप एंड डाउन द विंडो इज स्प्रेड शीट। इस कॉलम इन आइडेंटिफाइड बाय कॉलम हेडर विच द रन हॉरिजेंटली एट द टॉप ऑफ द शीट स्टार्टिंग विच कॉलम ए एंड शो ऑन इन द एबव पिक्चर ए बी सी डी ई एफ एंड शो ऑन आर कॉलम्स। कॉलम्स एम इज द हाईलाइटेड हेयर। आपका जो ये एक बनी हुई है, ये क्या बनी हुई, स्प्रेड शीट। ये श्रृंखला के रूप में क्या करती, परिभाषित किया जाता है। जो एक स्प्रेड शीट में आपकी जो विंडो के ऊपर और नीचे आपका क्या, ये ऊपर और नीचे जा रहा है, इसको एकदम पहचाने जाने वाले सीट के शीर्ष पर क्या करता है, ये क्षैतिज रूप से या चलता रहता है, चलता है जो स्तंभ के साथ, जो आपके इसके साथ ही शुरू होता है और इसी तरह उपरोक्त चित्र आपका जो ए बी सी डी ई एफ है, इसी तरह स्तंभों पर वो दिखता है। इसके बाद आपका जो ये एम है, एम को क्या किया गया है, एम को आपका हाईलाइट किया गया है। ये आपका कॉलम्स एम को क्या किया गया, एम को ये हाईलाइट किया गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है रो। अ रो इज डिफाइंड एज द हॉरिजेंटल सीरीज ऑफ सेल और हॉरिजेंटल स्पेस दैट इज गोइंग अक्रॉस द विंडो विच रो इज आइडेंटिफाइड बाय रो नंबर विच रन वर्टिकली एट द लेफ्ट साइड ऑफ द सीट। आपका क्या इस पंक्ति में क्या किया गया है, आपका रो इज डिफाइंड, इस पंक्ति को सेल की इस श्रृंखला के स्थान में परिभाषित किया जाता है। किस पे, श्रृंखला के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। जो आपकी विंडो क्या कर रही, विंडो के पार जा रही है, क्या कर रही है, ये विंडो के पार जा रही है। प्रत्येक पंक्ति को जो आपकी जो सीट है, जो आपकी सीट है उस पर क्या, उसकी लेफ्ट साइड से यानी बाई ओर से क्या करती है, लंबवत यानी वो चलती रहती है। बाई ओर से आपकी क्या होती है, बाई ओर से चलती रहती है। इसका आपका है रो 18 इन हाईलाइटेड हेयर। इसके बाद इन गूगल स्प्रेडशीट द डिफॉल्ट साइज ऑफ अ वर्कशीट। तो आपकी क्या है, 26 कॉलम्स हैं और आपकी 100 रोज हैं। इसके बाद आपका आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन इट इज ऑल्सो नो एज कॉलम स्प्रेटर और रो स्प्रेटर। दीज आर द लाइट ग्रे लाइंस दैट डिवाइड इच ऑफ द सेल रो एंड कॉलम्स इन अ स्प्रेडशीट। इसमें क्या, ग्रिड लाइनों में इसे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इसे सेपरेटर या पंक्ति सेपरेटर के रूप में भी जाना जाता है। किस पे, स्प्रेटर या रो कहते हैं ना, रो तो पंक्ति स्प्रेटर के रूप में भी जाना जाता है। ये हल्की क्या होती हैं, ग्रे रेखाएं होती हैं जो एक स्प्रेडशीट में, स्प्रेडशीट सेल की प्रत्येक पंक्ति और कॉलम्स लिखा ना रो, तो आपकी रो क्या हुई, आपकी रो पंक्ति प्रत्येक रो और कॉलम्स को विभाजित करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है सेल्स। तो आपका क्या है, ए सेल है आपका, ए स्प्रेड शीट कंप्रेसेस ऑफ अ ग्रिड ऑफ सेल्स द स्पेस दैट होल्ड आइटम्स ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड सेल। दे आर मेड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। इच सेल इज लेबलेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल A1, A2, A3 एंड मे हैव एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफरेंस टू द सेल अराउंड इट। इच सेल कैन कॉन्टेन टेक्स्ट नंबर एंड फॉर्मूला। अ सेल इज आइडेंटिफाइड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स हेडर एंड रो नंबर, फॉर एग्जाम्पल आपका A1 है और आपका A2 है। सेल क्या, सेल एक स्प्रेड शीट में सेल का एक ग्रिड शामिल होता है। क्या शामिल होता है, सेल का एक ग्रिड शामिल होता है जो डेटा और सूचना के आइटम को रखता है। किसको रखता है, डेटा और सूचना के आइटम को रखता है, जिसे हम सेल कहा जाता है। वे पंक्ति और स्तंभों के बने होते हैं, प्रत्येक सेल को एक प्लेसमेंट के अनुसार, लिखा ना, प्रत्येक सेल को एक प्लेसमेंट के अनुसार क्या करते हैं, प्लेसमेंट
प्लेसमेंट के अनुसार आपका A1 हुआ, A2 हुआ, ये हुआ है ना प्लेसमेंट के अनुसार। फॉर एग्जांपल जब का आपका A1, A2, A3 के रूप में लेबल किया जाता है। एंड मे हैव अ अपसॉल, तो इसमें सेल के चारों ओर एक पूर्ण या संक्षेप क्या बना होता है, एक चारों ओर एक लाइन सी या संदर्भ बना होता है। इसमें जिन्हें सेल के साथ क्या किया जाता है, जिन्हें सेल के साथ पहचाना जाता है, और कॉलम हेडर और पंक्ति संख्या का संयोजन भी किया जाता है। फिर आपकी ये एग्जाम्पल है A1, संयोजन आपकी जो एग्जाम्पल है आपका A1, A2। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका यहीं तक है, नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।